बाइक की व्हीली कैसी लगी है वो भी आप जाके बता दो, और जो चेक कर रहे हो गाइस कहां चढ़ा दिया इसको मेरे को डर भी लग रहा था भाई क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कैसे सीन है, और ये बाइक सबसे ऊपर। मजा आता है यार इसमें ऑफ रोडिंग करने का, बॉस बहुत सही। सीरियसली मैंने वो वहां से चढ़ाया है इसको, मतलब कतई जहर वाला सीन हो गया। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं चिंतपूर्णी माता दर्शन करने। आज है पांचवा नवरात्रा, तो दर्शन करने जरूरी है माता जी के। तो हम तो डेली जा रहे हैं, तो आज मेरे साथ जुड़ चुका है राहुल भी। राहुल आज पीछे बैठा हुआ है। तो आज हम दर्शन भी करेंगे और साथ में ब्लॉग भी करेंगे, और ब्लॉग करने के साथ साथ आज हम आपको अपनी गाड़ी का रिव्यू भी बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो अपनी गाड़ी 515 किलोमीटर चल चुकी है, तो फर्स्ट सर्विस 500 किलोमीटर पे होती है, वो भी अभी करवानी है विद इन डेज में। कल सर्विस जाएंगे करवाने का, क्योंकि आज संडे है और कल मंडे है, आज बंद रहता है। कल जाएंगे मॉर्निंग में और सर्विस भी कराएंगे, और आज आपको 500 किलोमीटर का रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू आपको ज़रूर बताएंगे कि मेरे हिसाब से कैसा है। मैंने किसी का वीडियो नहीं देखा सीरियसली गाइस कि वो क्या बोल रहा है, बिकॉज उसके वो रिव्यू है। मैं पर्सनली अपने रिव्यू दूंगा कि मेरे हिसाब से ये गाड़ी कैसी है। तो पहले दर्शन करते हैं माता जी के और फिर करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो चलो करते हैं जी शुरुआत ब्लॉग की। तो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज योर विशाल डोगरा कमिंग विद द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे जी। तो चलते हैं जल्दी जल्दी माता जी के मंदिर में, दर्शन करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं जी। तो फाइनली गाइस दर्शन हो चुके हैं जी माता जी के, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। तो ये राहुल है, राहुल अपना जा रहा है, आज राहुल भी साथ आया हुआ है। तो चलो गाइस चलते हैं अपनी बाइक पे। सो फाइनली वी आर गाइस बैक ऑन द बाइक। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, ये जो रोड है ये बहुत खाली रोड है, और इस रोड पे मतलब मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे पहले मैं निंजा लेके आया करता था अपना, तो बहुत अच्छा रोड था, अभी टूट गया होगा पक्का, यही सीन रहा होगा। तो अभी करते हैं मारते सेल्फ जी, और इस जगह का नाम है, ये क्या लिखा हुआ है, कोर कस्बा। हाँ इस जगह का नाम है कोर कस्बा। हाँ कोर कस्बा, पहली बार सुन रहा हूँ नाम। तो ऑफ रोडिंग देख रहे हो गाइस मिल रही है, और इसको कोई थोड़ा सा भगा के दिखाता हूँ आपको, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं, कोई बिल्कुल भी ज़रा मतलब कोई टेंशन नहीं है। ये देख रहे हो ये, इसको कोई चक्कर नहीं है। बाइक ऐसे भागती है, घोड़ा ये अपना राजा है, राजा कहर मचाता है पूरा पूरा का पूरा। सीरियसली यार ये रोड पहले पूरा बना हुआ था, अभी इसमें ऑफ रोडिंग कैसे आ गई ये मुझे नहीं पता। पहले यहाँ पे इतना बढ़िया रोड बना हुआ था, वो रोड पता नहीं कहाँ गया है, पूरा कच्चा रह गया है। राहुल भाई पहले पूरा रोड था, वो रोड कहाँ गया है, पूरा रोड था यार यहाँ पे गाइस, और एक नंबर रोड था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वाला रोड था, एक नंबर रोड बोलते हैं ना जिसको, वो था, और वो उड़ ही गया पूरा। तो चलो अपने को क्या है, अपने को तो ऑफ रोड भी मिल गया, आपको रिव्यू भी देना है, तो आपको वीडियो देख रहे हो जो पता चल जाएगा आपको। बस इतने छोटे छोटे ये गड्ढे गुड्ढे, ये इसको तो कुछ मतलब ये ऐसे है कि जैसे ये रोड पे चलता है ना बाइक, वैसे लगता है इसको, और इस बाइक को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा रोड आता है ना अब, फिर उधर से आपको बताते हैं। तो फाइनली गाइज ये अपनी बाइक लगी है, और ये सामने ना मैंगो का पेड़ है, और इस पर दिखाता हूँ आपको कि क्या है। चलो चलो गाइस उड़ ना जाए कहीं, वो देख लो उड़ गया, चढ़ गया ऊपर वो। चेक कर, अरे यार गाइस कैसी, अरे राहुल उधर से भगा इसको, इधर है भाई। लो गाइस करो चेक, ये मैं आपको थोड़ा सा इधर होके बताता हूँ, ये मोर पीकॉक। अब ये काटता है क्या,
है राहुल है? नहीं काटता है, नीचे तो आ रहा भाई। और ये देख रहे हो गाइस सामने मधुमक्खियां, और इतनी उड़ रही है ना, इतनी आवाज आ रही है, चेक करो ये सामने ना मधुमक्खियों की बॉक्सेस रखे हुए हैं और ये उड़ रही हैं मधुमक्खियां, बहुत सारी हैं इधर, बहुत सारी। तो चलो हम अपनी बाइक का रिव्यू करते हैं पहले। तो गाइस एक बार बाइक चेक कर लो आप, वो बोल रहा है यार, ये तो आवाज़ तो आपने सुनी होगी, बोलेगा अभी ये भी फिर से। तो ये कुछ ऐसी बाइक है अपनी, चेक कर लो, 500-550 किलोमीटर चलने वाली है अपनी का बाइक, 500 कुछ जो चल चुकी है, बट इसका भी फर्स्ट वॉश नहीं कराया हमने बिकॉज टाइम ही नहीं मिला। तो मैं आपको चलो जल्दी जल्दी देता हूँ अभी रिव्यू। तो गाइज रिव्यू देने से पहले मैं थोड़ा सा पास लेके आऊँ कैमरा। तो सीन कुछ ऐसा दोस्तों, मैं समझाऊँगा शॉर्टकट में, अपने को जैसा नहीं है कि इसकी लेंथ इतनी है, इसकी ये ब्रेथ इतनी है, इसमें इतना फ्यूल डलता है, मैं ये कुछ नहीं बताऊंगा बिकॉज ये लोग, आप लोग इतने आजकल इंटेलिजेंट हो कि गूगल पे सब कुछ सर्च कर लो, इसका टायर कितना है, कितना mm का टायर है, ये मैं कुछ नहीं बताने वाला, ये बकचोदी मेरे से नहीं होती। तो मैं आपको सीधा जनरली जो देसी भाषा में अपनी जो बोलते हैं ना उसमें एक रिव्यू दे देता हूँ। पहले नंबर मेरी हाइट है 5'9", ठीक है, और मेरे हाइट के हिसाब से मैं इसको सीधा करता हूँ तो चेक कर लो, ये यहाँ तक आ रहा है इसका हैंडल बार, इसका हैंडल बार जो है वो यहाँ तक आ रहा है, ये फिर से बोल रहा है, तो हैंडल बार यहाँ तक आ रहा है, थोड़ा सा पास आ जाओ राहुल जी। तो इसकी मेन दिक्कत, पहले मेन दिक्कत बता देता हूँ कि मेन दिक्कत इसमें ये है गाइस कि जैसे आप मतलब बैठोगे ना इस पर तो पैर मतलब नहीं लगते। मैं आपको फिर से चेक करा के बता रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये अगर पूरा पैर ऐसे लग रहा है, और दूसरी साइड से दिखा दो, ये पूरा हवा में है, पूरा का पूरा हवा में है गाइस, ये पूरा, तो मतलब इससे गियर शिफ्ट तो हो जाएंगे, ये पैर इतने लगते हैं, मतलब बोलोगे कि डबल पैर लगाने तो फिर दोनों पैर लगाने तो वो इतने लगेंगे, टिट्टो लगेंगे पूरे, मतलब पूरे नहीं लगते ऐसे, टिट्टो ही लगा लो। मुझे इसका सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक यही लगा, बाकी बाइक जिसने इसका सीसी है ना 200 cc, उस सेगमेंट में ये बाइक एक नंबर है, बाकी एक नंबर है, पिकअप अच्छा है, ऑफ रोड मतलब इधर को सेट दो, ये जो सामने ना इतना कच्चा, इधर को सेट दो बाइक को कुछ फील नहीं होगा। और मैंने 511 किलोमीटर चली अभी ये, तो मतलब उसमें से मैंने चलाया होगा 200 किलोमीटर, बाकी 300 कुछ अभी और कुणाल ने चलाया। दुकान पे चलेंगे, अभी का भी रिव्यू लेंगे कि उसको बाइक ये कैसी लगी है, बिकॉज वो भी चला रहा है, उसकी तो हाइट मेरे से भी कम है, 5'7" या 5'8" के बीच में होगी उसकी हाइट। तो बाकी कंफर्टेबल है बाइक, थोड़ा सा मुझे ना सीट का थोड़ा इशू लगा कि सीट इतना कंफर्टेबल नहीं है, बट है सॉफ्ट है, बट थोड़ा सा जैसे मैं चला रहा हूँ ना तो मतलब बैक में पुश आ रहा है एक, तो वो चीज़ का मुझे थोड़ा सा लगा। और एक चीज़ और इसमें बहुत कम है, इसकी लाइट्स जो हैं, लाइट्स मैं आपको चेक कराता हूँ एक बार, अभी पता नहीं दिन में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जल रही है कि नहीं लाइट, तो अभी गाइस ये लाइट जल चुकी है। तो सीन कुछ ऐसा गाइस कि इसकी लाइट बिल्कुल भी नहीं है, रात के टाइम में अगर आप अकेले किसी सुनसान जगह पे जा रहे हो ना रात को तो मतलब तब दिखेगा, अगर सामने से गाड़ी आ रही है ना बड़ी बढ़िया तो ये मतलब फेल है। तो इसमें मुझे अब लाइट इसमें डलवानी, या तो मैं सोच रहा हूँ मैडॉक की लगवा लूँ, 9-10 हज़ार की लाइट आएगी वो फॉग लाइट, यहाँ डाल रहा हूँ, जहाँ सोच रहा हूँ कि एजे जी की लाइट लगवा लूँ, वो दो आती हैं इधर इधर कहीं फिट करवा लूँगा, तो जल्दी वो भी करवाएंगे, मॉडिफिकेशन भी हम जल्दी स्टार्ट करवा देंगे अभी। तो अभी मैं इसको, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कंपनी ने बनाया ना, इसको ज़्यादा मतलब पंगे ना लूँ इस बार, बाकी आपके वो पता ही, आपका भाई सब बाइक्स में एग्जॉस्ट वगैरह जो लटर पटर वो करता रहता है, बट इसको मैं स्टॉक रखूँगा बिकॉज क्या पता इस बार हम लेह लद्दाख भी मार दें, अमरनाथ भी चल जाएं, कोई पता नहीं, प्लानिंग सब बढ़िया चल रही है एक नंबर। बाकी मुझे बाइक ये ना सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस, यार ये बाइक मुझे एक नंबर लगी है भाई साहब, एक नंबर, मतलब पापा से डांट पड़ रही है बट कोई नहीं, अब इसको मॉडिफिकेशन भी इसकी हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देंगे। बाइक एक नंबर है, अगर किसी की हाइट कम है ना तो भाई वो 4V ले ले, एक्सपल्स रैली एडिशन मत लेना, अगर उसको कीड़ा है मेरी तरह ऑफ रोडिंग का तो भाई वो फिर रैली एडिशन ही ले सकता है, अदरवाइज वो 4V ले। पर्सनली मम्मी और मुझे और मेरे भाई को जो कलर सही लगा था ना वो 4V का था, वाइट और ब्लू कलर,
वो बहुत सेक्सी था, बट वो उसकी ना हाइट थोड़ा सा, उसमें रैली किट नहीं लगा हुआ था, तो इसमें रैली किट वगैरह सब कुछ है, तो दैट्स वाई मैंने इसको लिया। ये कलर इसमें रैली किट में यही कलर आता है, ये रेड वाइट और ब्लैक शेड में यही कलर आता है, एक सिंगल कलर होता है। तो उसमें तो तीन कलर अवेलेबल है 4V में, और इसमें 200 TV आता है और 200 भी सिर्फ आता है, तो 4V यार आई थिंक बेटर है। तो अगर ऑफ रोडिंग करनी है तो गाइस सीरियसली आप ये ही ले सकते हो रैली एडिशन। तो चलो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बढ़िया सी जगह है वहाँ पे, एक दो रील शूट करते हैं और फिर निकलते हैं सीधा घर को, और दुकान पे चलेंगे अभी का भी रिव्यू लेंगे कि उसको ये बाइक कैसे लगी है। तो फिर अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा तो प्लीज़ एक बढ़िया सा कमेंट कर देना, और फिर जाके शोरूम जाके एक बार सीट का मतलब ज़रूर देखना, फिर जाके ये बाइक लेना। चलो गाइस आगे चलते हैं, रील शूट करते हैं। कहाँ चढ़ा दिया इसको मेरे को डर भी लग रहा था भाई, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कैसे सीन है, और ये बाइक सबसे ऊपर मजा आता है यार इसमें ऑफ रोडिंग करने का, बॉस बहुत सही। सीरियसली मैंने वो वहां से चढ़ाया है इसको, मतलब कतई जहर वाला सीन हो गया, मजा आता है, मजा चस्के तो हैं भाई बाइक के, मजे तो लेते हैं हम इसके पूरे। फाइनली गाइज आपने हमारा रिव्यू चेक कर लिया होगा, आपको आई होप थोड़ा बहुत तो, ज़्यादा नहीं अगर थोड़ा बहुत तो समझ आ ही चुका होगा। तो बाइक की व्हीली कैसी लगी है वो भी आप जाके बता दो, और जो उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है प्लीज़ जाके वहाँ पे फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ पे हम बहुत इंटरेस्टिंग वाली रील्स बनाते हैं। और हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है एडिक्टेड ऑफ ब्रांड्स, तो बढ़िया सी रील्स बनाते हैं वहाँ पे भी, आप दो अपना ढेर सारा प्यार। और चलते हैं अभी दुकान पे और अभी को पूछते हैं कि क्या सीन है, उसको कैसा लगता है मतलब ये बाइक अपना राजा। तो चलते हैं जल्दी जल्दी बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, दुकान पे चलते हैं और फिर उससे भी मुलाकात करते हैं। तो फाइनली गाइस वी आर बैक इन द शॉप, तो अभी दुकान पे आ चुके हैं। तो ये अभी है, ये राहुल है, तो ये आपका भाई है। तो सीन कुछ ऐसा है कि आपने सब कुछ देख लिया, अपनी व्हीली भी देख ली, अपना रिव्यू भी चेक कर लिया, और अभी चलते हैं अभी के पास कि उसको पूछते हैं कि बाइक का क्या सीन है। बाइक तूने चलाई है 300 किलोमीटर, ठीक है, 522 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें से मैंने चलाई है 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 मैं मान लेता हूँ, क्या रोल 200 मैं मान लेता हूँ, 300 तूने चल तू लगा ले, 200 तूने चलाई, 100 कन्नों ने चलाई, 300 होगी मेरी, 300 चल 300 चलाई, कैसी लगी बाइक तेरे को? बाइक तो एक क्लास है, हाइट बड़ी ज्यादा यार इसकी, हाइट तो मतलब बता नहीं सकता, ऐसा तक्कड़ है, तक्कड़ हाइट पे, ऐसा लगता है घोड़े पे बैठा है, लोग ऐसे दिखते हैं तेरे को नीचे, सही में यार, सही में गाइस ये सही बोल रहा है, लोग ऐसे ही दिखते हैं, ब्लेरो वाला चल रहा होता है ना उसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है अंदर, कहीं तमाकू तमाकू तो नहीं खा रहा ना वो, तो वो सब कुछ चेक कर सकते हैं हम। तो इसका भी रिव्यू चेक कर लिया अभी इसका, इसने तो ये फर्स्ट टाइम बैठा है बाइक पे, कैसा लगा एक्सपीरियंस बता अपना, सही लगा बाकी हाइट ज्यादा है इसकी, और गड्ढे गुड्डे का पता नहीं चलता है, चल रहा है कि मैं बता रहा हूँ, मैं महानाल गया था मेरे को तो पता नहीं चला यार, गड्ढों का तो पता नहीं चला, मेरे को भी नहीं पता चला कि गए थे हम, बिल्कुल नहीं पता चला। तो मतलब जो चीज हम कैमरा पे जस्टिफाई नहीं कर पाए गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ, इतना ऑफ रोड था वहाँ पे, वो मैंने दिखाया नहीं आपको बिकॉज आपके भाई के पास अभी फिलहाल के लिए फोन है तो गोप्रो नहीं है। तो बढ़िया तरीके से हमने ऑफ रोड किया, मुझे मजा आ गया, चस्के आपने देख लिए जो हमने ले लिए,
तो इसी नोट पे जी करते हैं जी वीडियो क्लोज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर देना। और मिलते हैं जी एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।